ये देखो ये सब टिकट बुकिंग में लगे लगे पड़े हैं ऑनलाइन, कितनी भीड़ है देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कुमार और स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो दिल्ली के चिड़ियाघर में। और भाई बाहर टिकट की इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने आपको बेबी जस्ट मैंने टिकट ही करी बुक, और हाँ टिकट यहाँ पर ऑनलाइन ही बुक होती है, ऑफलाइन का काम ख़त्म हो गया, ऑनलाइन ही होती है टिकट बुक। ठीक है, तो मैंने अभी अभी लिया एंट्री और चलिए चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों वो है चिड़ियाघर का मेन गेट जहाँ से मैंने एंट्री ली है। ये देखिए भीड़ देखो कितनी सारी भीड़ है। चलते हैं दोस्तों अंदर, इस भीड़ के साथ साथ जाएंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखो दोस्तों कितनी भीड़ है। वेलकम, हैव अ नाइस डे। डे तो क्या है पूरी, मेरे को टिकट बुक करने में ऑनलाइन काफ़ी टाइम लग गया यार। भाई देखो देखो गाइस कितना सुंदर बना रखा है ये अंदर से चिड़ियाघर, काफ़ी बड़ा ये, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार मैं और बोल दूँ, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये देखो जितनी भीड़ यहाँ पर है ना, उससे ज़्यादा भीड़ बाहर टिकट बुक कर रही है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस जूलॉजिकल पार्क में घुमाने के लिए आपको अंदर गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। गाड़ी का मतलब एक टाइप से ई रिक्शा टाइप है वो, आप चाहो तो उनको कर लो या फिर खुद ही घूम लो। और अंदर आपको खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएंगी, अंदर भी मिल जाएंगी और बाहर भी। और मैं आपको बता दूं इसकी लोकेशन है, आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, वहां से खान मार्केट के लिए आओ आप। खान मार्केट पे उतर के फिर वहां से चाहे तो आप ऑटो कर लो या फिर पैदल पैदल आओ। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी किले की वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके आप देख लेना और मेरे को बताना कि कैसे बनी है वीडियो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, करते हैं एंजॉय। ये देख लो मेरे साथ कितने लोग आए हैं। दोस्तों देखिए क्या है ये, शायद बगुले हैं ये, क्या हैं ज़रा कमेंट करके बताना क्या है, क्या है ये। ऊपर भी देखो कितनी सारी चीलें, दोस्तों चीलें हैं ये। भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं चिड़ियाघर पहले भी आया हूँ, पहले आया था मैं और मेरा भाई, पर उसको कुछ काम आ गया इसलिए वो नहीं आया, इसलिए मैं ही आ गया अकेला। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है ये। क्या है वाटर बर्ड्स, जल पक्षी दोस्तों, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे इनको बोलते हैं वाटर बर्ड्स, मीन्स जल पक्षी। तो दोस्तों चलते आगे। दोस्तों ये काले बंदर देख लो, काले बंदरों का घर है ये चिड़ियाघर में। देखिए दोस्तों वो रहा, देखा आपको ये है दोस्तों काले बंदर, देखिए बंदर है तो काला लेकिन है काफी सुंदर। चलते हैं आगे।
दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको पूरा, ये सब देखो, ये यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर तक, ये सब इन काले बंदरों का ही है, इनके रहने का एरिया ये पूरा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। देख लो दोस्तों मेरे आगे कितनी भीड़ जा रही है, काले बंदरों के साथ साथ घूमते घूमते पहुंच गए। ये रहे, ये है हमारे भूरे बंदर, ये देखो कुछ तो खा रहा केले केले, पता नहीं क्या खा रहा केले केले, लालची बंदर। उसके पीछे मोर है भाई, कितना क्रेज है। तो उसको बोलते हैं बोनट मंकी, यानी कि बोनट बंदर वाला भूरा। देखो कितनी भीड़ है, भाई मजा आ रहा है, नहीं आ रहा मुझे तो बहुत आ रहा है। अभी तो जस्ट मंकी देखे हैं, इसके पहले देखी थी सी बर्ड, पानी के पक्षी। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे और भी जानवर। दोस्तों बोनट बंदर के साइड में ये क्या है, ये लंगूर है क्या है, लंगूर कितना सुंदर लग रहा है, देख लो। चलते हैं आगे दोस्तों, लंगूरों को पार करते देखते हैं कहाँ जा रहा है ये रास्ता। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना सामने, ये सांभर है, वो सांभर कितना तगड़ा है, सीन देखो तगड़ा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो कितनी भीड़ है यहाँ पे, उस साइड गए दोस्तों, देखते हैं उस साइड, देखा नहीं हमने। दोस्त देखो ये है, यहाँ पे कितने सारे हिरण हैं, ब्लैक बक, ब्लैक बक है ये, कृष्ण मृग। हाँ देखो मेरा नाम कृष्ण मृग। दोस्तों ऐसा तो मेरे नाम करिए, इनका नाम है कृष्ण मृग, कमाल है, मेरा नाम कौन कौन यूज करता है भाई। कितने सारे हैं इनके सींग देखो, दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। देखो बीट, देखो यहाँ बीट, बीट देखो यहाँ बीट कितनी है, ऐसे लग रही है बड़ी सी बारात हो। और खाना स्टार्ट होने का वो कर रहे हैं वेट हो रहे भोले बाबा के नंदी, वो वेजिटेरियन है, देख लो दोस्तों घोर भोले बाबा का नंदी कितना तगड़ा है। चलते हैं दोस्तों फिर, ये जा रही है देखो ये वाली गाड़ी, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये आपको घुमाएगी अंदर अगर आप चाहो तो, उसमें बैठ के घूम घूम लो, वरना आप इन सब की तरह और मेरी तरह पैदल पैदल घूमो,
वैसे गाड़ी से ज़्यादा मतलब पैदल पैदल में। पहुँच गए हैं राइनोसोरस, देखो तो गेंडा, ये राइनोसोरस। खाना खा रहा है मेरा। देख लो भीड़ कितनी है, भीड़ देख लो, भीड़ देखना रहा है नो, एक सिंह वाला गेंडा। चलते हैं आगे दोस्तों, जगह जगह यहाँ पे टॉयलेट भी हैं, अगर आपको घूमते घूमते एक नंबर या फिर दो नंबर आ जाए तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा है, ठीक है। देखो यार ये चिड़ियाघर कितना सुंदर बना रखा है, मज़ा आ गया देख के। नहीं बट ये थोड़ा सा पानी और साफ हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। देखो तो तुम कितनी भीड़ है भाई, घूमने वाली जगह पे तो भीड़ ही मिलती है। क्रोकोडाइल पानी में दोस्तों किस तरफ जाऊं, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ चलते हैं, पूरा घूमेंगे आज। मैंने फैसला किया, मैं भी जा रहा था लेफ्ट पर, नहीं अब मैं जा रहा हूँ राइट। पहले राइट में देखेंगे घूमेंगे क्या है, फिर उसके बाद जाएंगे लेफ्ट, दिखाएंगे आपको मगरमच्छ को देखने के लिए कितनी सारी भीड़ है, मतलब दुनिया के। चलो चलते हैं आगे। अरे भैया यहाँ भी आज की लड़ा रहा हो तू, कोई अंटी गैल। दोस्तों मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे साइड में एक हाइक अंकल था, उसने इतनी जोर से आवाज़ मारी, अरे इधर आ, बस शेर जग गया भाई। मैंने कहा शेर से ज़्यादा तो भाई अंकल है भाई, कहा अंकल से रहो दूर, कहीं पता लगा खा। दोस्तों शेर देखने के बाद देखिए क्या चीज़ सामने को देख रहे हैं, क्या होता है लड़का फोन में, हाथी दिखा दे आपको, हाथी ये रात ही बुड्ढा कर रही है। काफी एज का लग रहा है यार ये, कितना बड़ा है। कीप इट क्लीन एंड ग्रीन, काफी एज का लग रहा है यार ये तो, है बड़ा मस्त। मेरे पीछे पीछे घूमने सारी भीड़ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आ रही है, चलते हैं आगे। दोस्तों ये केज दिखाई दे रहा है आपको, ये है लगड़ बग्गू का केज, दिख नहीं रहे कहाँ है, दिख नहीं रहे कहाँ है, पर इतनी सर्दी भी नहीं यार जो अंदर छुपे हों बैठ के, पता ही नहीं। बाकी तो मज़ा आ रहा होगा ना वीडियो में, हाँ मुझे भी बहुत आ रहा है। अरे बहुत बड़ा यार ये चिड़ियाघर, मैप में भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ समझ में ही नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं आएगा, बस
जहाँ पे भीड़ जाए उसके साथ साथ चल दो। अभी हायना देखा था, हायना यहाँ पे ओ देखा देखा, जब पहले देखा था तब तो था नहीं है ना, अब एकदम से आ गया अचानक, तो मैंने कर लिया शूट। दिखा होगा आपको, अगर दिखा हो तो वीडियो में कमेंट करके बताना, ठीक है। दोस्तों ये दर्रे घोड़े, ये आपको मगरमच्छ के जस्ट सामने मिल जाएंगे, देखो दोस्तों। दर्रे घोड़े जो है बिल्कुल मगरमच्छ के थोड़े से आगे जाकर ही है, हाँ बिल्कुल, और उसके सामने है मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको सफेद मर्ग, वाइट बक, बक BUC के बक उसके जस्ट सामने ही है दर्रे घोड़े, और देखो काफी भीड़ है मेरे पीछे, आगे भी कितनी भीड़ है। बंदर बैठा है दोस्तों, ये रास्ता जो जा रहा है ना, ये जा रहा है वाइट टाइगर की ओर, सफ़ेद बाघ। ये आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये सब उसी के बाड़े के बाहर है, तो चलिए देखते हैं वाइट टाइगर। एशियाई लायन तो यार बहुत थोड़ा थोड़ा दिखा है, बहुत ही थोड़ा, सो रहा था वो आलसी की तरह। अब वाइट टाइगर देखते हैं, चलो काफ़ी। तो ये सफ़ेद बाघ का बाड़ा, नहीं सॉरी भारतीय हाथी है दोस्तों, इंडियन एलिफेंट, दिख गए हो रहे आपको, भारतीय हाथी मैं बोल रहा था, वाइट टाइगर नहीं है वो, इसी के ये जो रोड गई है इसी के साथ साथ चलिए, वो रहे वाइट टाइगर, डांस कर रहे हैं, मेरे आने की खुशी में डांस कर रहे हैं। टाइगर देखो, टाइगर यार फोटो नहीं हो रही, टाइगर बहुत टाइगर, दोस्तों टाइगर कितना सुंदर लग रहा है, नेशनल एनिमल है भाई, टाइगर को देखने के लिए कितनी भीड़ है। चलो आ जल्दी यहाँ देखो, आ गया आ गया, ये देख लो दोस्तों छोटा, ये चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों टाइगर के सामने था बिल्कुल जैगुआर, पर वो दिखाई नहीं दिया, मैंने दिखाने की काफ़ी कोशिश की थी लेकिन दिखाई दिया ही नहीं, देखते हैं ये क्या है, शायद ये क्या है, भेड़िया तो दिखी नहीं रहे यार, ना तो जैगुआर दिखाई दिया और ना ये वॉल्फ दिखाई दिया, बाघ तो दिख गया, बंगाल टाइगर और सफ़ेद बाघ भी नहीं दिया दिखाई, अभी पता नहीं उसका बाड़ा है कहाँ, आज से ज़्यादा रास्ते जा रहे हैं ना बंद कर रखे हैं।
मेरे पीछे दिख रहा है ये बाघ है, ये जैगवार यहाँ पे है नहीं, वो मैंने आपको दिखा था वॉल्फ वो भी है नहीं वहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या। चलो दोस्तों वहाँ से बाहर आ गया हूँ, अब शायद यहाँ पर दिखाई देगा वाइट टाइगर दिख जाएगा यार। हाँ ये रहा ना, नहीं ये तो स्टोरी ऑफ वाइट टाइगर लिख रहा है, नहीं यही है शायद। चलो देखते हैं वाइट टाइगर। वाइट टाइगर को देखने के लिए कितनी सारी भीड़ है, देखो लोग कितनी सारी भीड़ है। दोस्तों फाइनली वाइट टाइगर दिख गया, होप करता हूँ आपको भी दिख गया हो वीडियोस में। और वाइट टाइगर जो है ना बंगाल टाइगर के जस्ट पीछे था बिल्कुल, उसके थोड़ा सा घूम के जाना पड़ा, बट है काफ़ी बड़ा ये। दोस्तों फाइनली जर्नी एंड, चिड़ियाघर पूरा हुआ। और अभी देखो भीड़ कितनी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो अभी भी भाई साहब जनता आ ही रही है। जनता यहाँ पे आ ही रही है। देखो तो इसकी टिकट का प्राइस है सिंगल पर्सन 80 रुपये। और इसकी टिकट बुक करने के लिए एक वेबसाइट है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाओ और टिकट बुक करो और घूमो। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।